मैं मुखिया जी को धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। मुखिया जी लगातार हर बार मेरे कोरका ऑफिस में आकर 100 केवी का मांग ट्रांसफार्मर का कर रहे थे, और ये नया ट्रांसफार्मर सीधे आया पुराना है। ये 100 केवी का जो ट्रांसफार्मर यहाँ आया है, तो मुखिया जी का कहना था कि 25 रहे या 63 रहे वो जल जाता है, और कंज्यूमर भी ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर ट्रांसफार्मर अगर जल जाएगा तो फिर उसको ले जाना पड़ेगा विभाग, और विभाग में फिर से ठीक कराना पड़ेगा। इसीलिए जैसे तैसे हमको बड़ा ट्रांसफार्मर दीजिए, 25-63 से काम नहीं चलेगा। तो आज मांझर गाँव में आपका ट्रांसफार्मर आया है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई इस ट्रांसफार्मर के लिए। और ट्रांसफार्मर के उद्घाटन या फीता काटने में मैं आता नहीं हूँ अमूमन, लेकिन आज मांझर इसलिए मेरा आना हुआ है क्योंकि यही मांझर गांव था जहाँ विधायक नहीं बने थे, तो सबसे पहला ट्रांसफार्मर आके हम फीता काटे थे, वो आगे वाला आपका सड़क, इसलिए आज आपके बीच में आए हैं। और जब से विधायक नहीं थे उस समय भी आपके बीच में आकर, जैसा मैंने कहा है कि वहां पे भी एक ट्रांसफार्मर दिए, उसके बाद आपका ये जो रोड आपका मांझर गांव का था, कितना खराब जर्जर था आपको भी पता होगा, वो रोड हम लोगों ने पूरा आपके गांव का दिया। अब आपको पथरगामा जाने के लिए या बसंतराय जाने के लिए मुख्य सड़क की जरूरत होगी जो खराब हो गया था, ये मुख्य सड़क में भी अभी हम लोग PCC बना के डायरेक्ट यहाँ से बसंतराय कोरियाना और पथरगामा से इसको कनेक्ट करेंगे। तो बस मांझर के हर एक कार्य में अगर आप देखेंगे तो अमित मंडल का नाम है, क्योंकि मांझर से मेरा पुराना प्रेम है। मांझर से मेरा पुराना प्रेम इसलिए है क्योंकि यही मांझर गांव है जहां पर मेरे फादर आके डॉक्टर साहब के घर में रहते थे, वहां पर बहुत पुराना संबंध है। ये PCC वाली भी बात हुई तो आलमगीर साहब थे, हम बोले कि ठीक है हम यहाँ PCC भी आके यहाँ पे दिलवाएंगे DMFT से, शायद ये PCC भी आपका बन गया। तो तमाम जो आपका दिक्कत है, परेशानी है गांव का, उसको देखने के लिए हम यहां पर तैयार हैं। अब हिंदू समाज हो या मुसलमान समाज हो, एक बात आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का यहां सांसद, अब भारतीय जनता पार्टी का विधायक, दोनों तो भारतीय जनता पार्टी का है, तो उस हिसाब से यदि आपको कोई आके डराता है तो सबसे ज्यादा डर तो गोड्डा विधानसभा में लोग को लगना चाहिए, क्योंकि BJP का सांसद है, BJP का विधायक भी है। लेकिन मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते कि सबसे ज्यादा सेफ अगर अल्पसंख्यक कहीं पे भी है तो भारतीय जनता पार्टी का गोड्डा विधानसभा। इस चीज को आप लोग मानिए, क्योंकि मेरा कार्यकर्ता कभी लाठी लेके आपके खेत में खड़ा नहीं होगा, मेरा कार्यकर्ता कभी लाठी के बल पे आपको डराएगा धमकाएगा नहीं, मेरा कार्यकर्ता हमेशा होगा तो वो व्यक्तिगत काम को छोड़कर वो सामाजिक कार्य की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। और यही कारण है कि जितनी बार हम मांझर आते थे, अभी 3 ट्रांसफार्मर लगातार हम लोग बदले हैं, 2 आपका पचुआकिता का, 1 मांझर का, तो जो हम सिस्टम बनाए हैं सिस्टम में आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और चुनाव के समय आता है तो लोग तरह तरह का बात, तरह तरह का प्रोपोगंडा करते हैं, उस चीज को मैं दरकिनार करते हुए आपसे बस इतना ही मैं अपील करता हूं कि यदि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तो हम 2 कदम, अमित मंडल 2 कदम आपके लिए आगे बढ़ने का तैयार है। आप 1 कदम बस आगे बढ़िए, 2 कदम हम बढ़ेंगे। और मेरा काम नहीं है यहाँ पर पहलवानी कुश्ती देख के चला जाना और आपका रोड खराब हो, आपका ट्रांसफार्मर खराब हो, आपका नाली नहीं बना हो, मेरा काम है काम करना। और अगर काम में आपको दिक्कत परेशानी तकलीफ कहीं आता है तो आप हमको बताइए, वो काम हमको पूरा कर देंगे। हम उस नेता नहीं है आके कुश्ती देख लिया फिर चले गए, यहाँ पे मांझर का आदमी सब एकदम गर्क में डूबा हुआ है, कीचड़ में डूबा हुआ, कोई काम नहीं। आप बताइए कि इससे पहले भी जो यहाँ पे रहे तो ये सड़क के बारे में कोई ध्यान दिया कितना? अभी जो सड़क बन रहा है देखिए कितना अच्छा सड़क बन रहा है, आपके गांव का सड़क बना देखिए कितना अच्छा सड़क बना। तो विकास के मामले में हम कहां पीछे हैं? विकास के मामले में तो आप जो जो बोल रहे हैं वो हम काम कर दे रहे हैं। अभी मुखिया जी बोल रहे हैं मेरा जर्जर पोल तार आपका ट्रांसफार्मर बदलना, जर्जर पोल तार भी बदलना है गाँव का आपका, वो भी बदलाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, देखना होगा, और मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं और आपके सुख में आपके दुख में हमेशा आता रहूंगा, आता रहा हूं। और यही आज प्रमाण करता है कि एक छोटा सा ट्रांसफार्मर के लिए, लेकिन ट्रांसफार्मर के पीछे मुखिया जी ने जो प्रयास किया उस प्रयास को यदि मैं रिस्पेक्ट दूं, आदर दूं, तो उसके लिए मुखिया जी के लिए मुझे आने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए आपके मुखिया जी के प्रयास को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।
और तमाम जितने भी लोग यहाँ हैं सभी से मैं आग्रह करूंगा, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो जाति दल से हटकर अमित मंडल का व्यक्तित्व, अमित मंडल का छवि, अमित मंडल का राजनीतिक करियर, उसका परिवार, सबका आकलन करके बटन दबाए तो ही सार्थकता वाली बात होगी। अन्यथा फिर वही होगा कि फिर 12,000 से पीछे चले जाएंगे, फिर हमको पथरगामा जिताएगा, फिर गोड्डा जिताएगा, जीत के फिर वापस आएंगे, फिर आपका काम करने का जब समय आएगा तब फिर वहां का आदमी बोलेगा दूसरे तरह का कि वोट जहां से दिया काम वहां होना चाहिए। तो ये चीज को आपको देखना है कि वोट हमेशा हर जगह से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी मिलेगा, तभी मेरा भी कॉन्फिडेंस होगा। कुछ कुछ काम हम हर जगह देते रहेंगे, एक तरफा आउट हो जाएंगे तो फिर वहां पे जाके फिर फायदा क्या होगा, फिर तो हमको वहां पे दूसरा आदमी बोलेगा। ये चीज को ध्यान रखिए, महागठबंधन यहाँ से नहीं जीत रहा है, फुल एंड फाइनल बात है। जितना भी प्रयास कर ले, जीतेगा अमित मंडल ही, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। एक कदम आप चले, दो कदम। एक तस्वीर में हम लोग जो लाए अमित भैया के तरफ से, हम लोग लाए वहाँ से, और हर चीज अमित भैया के सहारा पर ये ट्रांसफार्मर मेरा मांजर बुजुर्ग आंगनबाड़ी 2 के पास आया है। हम लोग इस लिए बधाई और धन्यवाद।